सो दोस्तों, ये देख सकते हैं, है गोलघर मार्केट, जो कि गोरखपुर का काफ़ी प्रसिद्ध मार्केट में मार्केटों में से एक माना जाता है गोलघर मार्केट। ये पूरा सीन देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे दुकानें आपको स्टॉल नज़र आ जाएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ गोरखपुर का बस अड्डा। तो वीडियो को कंटिन्यू रहिएगा दोस्तों, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये रहा पूरा सीन गोलघर मार्केट का, देख सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संजू गुप्ता पंटी और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को गोरखपुर का बस अड्डा दिखाने वाला हूँ। और मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से करीबन 5 मिनट का रास्ता है। और ये जो रोड देख रहे हैं, ये है गोलघर वाला रोड। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं आप लोग को गोरखपुर का बस अड्डा और आप लोग को जानकारी देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दिखाते हैं फटाफट। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं हूँ इस समय गोलघर वाले रोड पे। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आप लोगों को बस जो नज़र आ जाएगा। यहाँ से भी आप लोगों को बहुत सारे बसें मिल जाएंगी, जो कि लिखा गया है कानपुर टू गोरखपुर बस बस्ती और भी जगह का बस यहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगा इस रूट पे। तो चलिए आपको चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को बस स्टैंड देवरिया का। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों देख सकते हैं पूरा तस्वीर। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम आ चुके हैं बस स्टैंड और यहाँ पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ बस स्टैंड के काफ़ी करीब। और देख सकते हैं दोस्तों, एक समय ऐसा रहता है कि यहाँ पे बहुत ही जाम रहता है, लेकिन आज के दिन थोड़ा जाम कम है। और पूरा तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों, मेरा बस स्टैंड गोरखपुर का। आइए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से और आप लोग को जानकारी देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बस अड्डा। आइए चलिए चलते हैं और आप लोग को जानकारी देते हैं। बहुत सारे बसें दोस्तों आपको रास्ते में ही मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं। कंडक्टर लोग रहते हैं, लोग वो लोग जानकारी भी दे देते हैं। लोग देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बोल रहे हैं लोग। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बस अड्डे के पास। अरे रहा बस अड्डा गोरखपुर का। चलिए चलते हैं अंदर, अंदर का सीन दिखाते हैं आप लोग को और जानकारी देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ये है दोस्तों गोरखपुर का बस अड्डा का पूरा सीन। आइए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से और आप लोग को जानकारी देते हैं कहाँ कहाँ से बसें मिलती हैं, किस किस जगह का। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा तस्वीर है। यहाँ पे आप लोग को खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे है पूछताछ केंद्र, आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं यह है पूछताछ केंद्र। और यहाँ से आप लोग पता वता कर सकते हैं कि कितने कितने बजे से कहाँ कहाँ की बसें उपलब्ध है। और बाकी तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में पूरा मैं बस अड्डा का चारों तरफ का सीन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग को वाश वोश और पानी वानी की सुविधा उपलब्ध है हाथ धोने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह है गोरखपुर बस स्टेशन का सीन। काफ़ी पुराना ये भी बस अड्डा है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है
गोरखपुर का बस अड्डा का चारों तरफ का सीन, और मैंने आप लोग को काफ़ी कुछ दिखा दिया इस वीडियो में और आप लोग को जानकारी भी दे दिया। इस साइड आपको पूछताछ केंद्र है और यहाँ पे तमाम बसें लगी हुई हैं जो कि इस रूट से जो भी जगह मतलब जिस जगह के जाने वाली बसें हैं उस लाइन में खड़ी हैं, जैसे कि देवरिया हुआ या बलिया हुआ और वह बोल सकते हैं आप आजमगढ़ हुआ बनारस हुआ, तो इस साइड से मतलब मिल जाएगा बस आसानी से। और पूरा तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप लोग को दिखाई देगा काफ़ी सारे बसें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।